हरियाणा का एक और लाल मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। सीआरपीएफ के शिवलाल यादव उड़ीसा के माओवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। शहीद जवान शिवलाल का पार्थिव शरीर जब बीते दिन उनके पैतृक गांव पहुंचा, तो जन सैलाब उमड़ पड़ा और गमगीन माहौल में हजारों ग्रामीणों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ पार्थिव शरीर को सुपुर्दे खाक किया गया। शहीद शिवपाल के साथ आए जवानों और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने पुष्प चक्र देकर अंतिम विदाई दी। शिवलाल जी जो है वो सीआरपीएफ में 1994 में भर्ती हुए और अपनी लगन मेहनत से वो सिपाही से और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पे पहुंचे। अभी उनकी तैनाती छत्तीसगढ़ का जो नक्सल प्रभावित एरिया उसी से लगता हुआ उड़ीसा का जो एरिया है नौपटा डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर थी और कल वो उड़ीसा राज्य के नौपटा जिले में अपनी ड्यूटी पे तैनात थे। उसी वक्त जो माओवादी है उनके साथ मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ में बहादुरी से उनका मुकाबला किया और अपने कर्तव्य के लिए अपना बलिदान दिया। सूबेदार शिवलाल यादव का उड़ीसा में नक्सलाइट के साथ मुठभेड़ में हमारा जवान शिवलाल यादव शहीद हुआ है। आज पूरे सैनिक सम्मान के साथ हम इलाके के सब लोगों ने उनको अंतिम विदाई दी है। आज हम सब लोग शोक संतप्त हैं, परंतु हमें एक बात का गर्व है कि हमारा भाई शिवलाल यादव दुश्मन से लड़ते लड़ते उनकी छाती में गोली लगी है और वो बहादुरी से शहीद हुए हैं। हम अपने भाई शिवलाल को सलूट करते हैं। बता दें कि शहीद शिवलाल यादव 1994 की सीआरपीएफ बटालियन में भर्ती हुए थे। शिवलाल उड़ीसा की नक्सली इलाके में तैनात थे। 21 जून को सीआरपीएफ टीम ड्यूटी पर जा रही थी कि माओवादियों ने अचानक हमला बोल दिया, जिसका जवानों ने भी कड़ा जवाब दिया। इस बीच माओवादियों के साथ मुठभेड़ में शिवलाल यादव शहीद हो गए। महेंद्रगढ़ से प्रदीप बाल रोडिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।